तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लैश ऑफ क्लैन के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम दी एंड करने वाले अपने किंग का एंड इसके साथ साथ अपने सभी हीरोज मैक्स आउट होने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा बिल्डिंग पूरा बेस आउट अपना मैक्स आउट हो चुका है। एंड इसके अलावा जो बचने वाली है हमारे पास वो है 23 वॉल्स एंड कुछ लेबोरेटरी का अपडेट होने वाला जो अभी बाकी हमारे यहाँ पे अगर देखोगे क्लोन स्पेल बाकी है एंड 3 सीज मशीन है जो हमें अपग्रेड करनी है। तो ये 4 चीज़ें फिलहाल बाकी है, उसके अलावा सब कुछ अपना मैक्स हो चुका है। एंड अभी आपको अपने को करना है 72 का किंग है तो इसको मैक्स आउट करना है। उसके लिए चाहिए कि हमें 3 लेवल अपग्रेड करना है। तो फर्स्ट लेवल अपग्रेड होगा हमारे यहाँ से बुक ऑफ हीरो जो हमें मिलने वाले हैं, तो इसको पहले क्लेम कर लेते हैं एंड किंग को एक लेवल अप यहाँ से कर देते हैं। तो ये हुआ किंग एक लेवल अप यहाँ से बुक ऑफ हीरो यूज़ किया। एंड सेकेंड जो हमें मिलने वाला है वो हमारे पास एक हैमर है। एंड लास्ट जो फाइनल लेवल अपग्रेड होने वाला है वो है हमारा इवेंट से मिलने वाली बुक ऑफ हीरो से। यहाँ पर 3 अटैक करने अभी सॉरी 3 हीरो को डाउन करना अभी बाकी है एंड उसके साथ ही हमें मिलने वाली है एक बुक ऑफ हीरो। सो अभी एक अटैक पे चलते हैं, हम एक लेजेंड लीग का अटैक करेंगे एंड कोशिश करेंगे उसमें 3 हीरो डाउन करने की ताकि हमें बुक ऑफ हीरो मिल जाए एंड इसी अटैक के बाद हम अपने किंग अपग्रेड कर ले। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और साथ के साथ अपने चैनल पर चल रहा है गोल्ड पास का गिव अवे उसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा वीडियो का, वो जाके चेकआउट कर लो वहाँ से। एंड 30 अगस्त को लाइव आकर मैं उस गिव अवे के अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमें 5 गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था, ऐसे में लाइव आकर गिव अवे का अनाउंसमेंट विनर का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पर एंड बेल आइकन जरूर दबा के रखना ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो चलो यार अभी लेजेंड लीग के अटैक पर चलते हैं हम। एंड यहाँ पे जो बेस हमें मिलता है वो है एक साइड बेस, यार ये साइड टाउन हॉल बेस बहुत ज़्यादा मुझे आजकल मिल रहे हैं यहाँ पे जो अपना करंट लीग है लेजेंड लीग में। इस टाइम पे ये वाला बेस मुझे बहुत बार मिल चुका है एंड आई डोंट नो यार, मैं शायद से 3 नहीं कर पाया हूँ इसको अभी तक। सो चलो देखते हैं अब की बार हम 3 कर पाते हैं नहीं तो। एक हीरो यहाँ पे है इसका, दूसरा क्वीन इधर, किंग इधर एंड ग्रैंड वार्डन सेंटर में रखा। तो आई थिंक सभी हीरो को डाउन यहाँ से हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या हम कर पाते हैं इधर से। एंड ग्रैंड वार्डन को वापस से यहाँ पे इधर बुलाना होगा क्योंकि अगर ग्रैंड वार्डन दूसरी तरफ भटक गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसको बुला के लेके आएगा अपना क्वीन इधर से एंड साथ के साथ एक आइस गोलम छोड़ देते हैं ताकि जो सामने का जो ट्रैश बिल्डिंग है मतलब सॉरी जो डिफेंस है वो आइस गोलम पर स्टक रहे एंड थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दे सभी को। और हम यहाँ से कौन से अपार्टमेंट में जंप करना चाहिए, हमें यहाँ से इधर ही जाना पड़ेगा ताकि हम पहले टाउन हॉल का ले लें एंड बाकी का बाद में देखते रहेंगे यार। अभी यार ये टाउन हॉल किसने एक्टिवेट कर दिया भाई, कौन सा महामूर्ख ट्रूप था हमारा जिसने टाउन हॉल को एक्टिवेट किया। चलो एक्टिवेट किया तो किया अभी, ओके टैकल कर लिया विजार्ड ने एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं ईक्यू स्पेल से। शायद से मैंने गलत डाल दिया क्योंकि जो वॉल्स मैं तोड़ना चाहता था सभी वो ब्रेक नहीं हो पाई इधर से एंड यही कारण है यार, इन्हीं वजह से मैं ये अटैक बार बार फेल कर देता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से अटैक मतलब आर्मी का डिप्लॉयमेंट मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ इस अटैक में, जिसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है एंड अटैक फेल हो जाता है फिर। सो चलो अभी देखते हैं हम कितना निकाल पाते हैं। एंड आरसी यार, आरसी मैंने बहुत गलत डाल दिया उधर। सो अभी हम सिर्फ 2 ही हीरो टैकल कर पाए हैं यार, एक और हीरो हमें यहाँ से चाहिए होगा जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एंड वो मुझे नहीं लगता यार मैं इस अटैक में निकाल पाऊँगा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, बस हाँ बेइज्जती ज़रूर हो जाती है। चलो देखते हैं यार किंग को हम यहाँ पे निकाल पाएंगे या नहीं अपने पास। ओके तो सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली, अरे 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 किंग इनसाइड रह गया। सो देखते हैं अगर किंग आउटसाइड होता तो शायद से हम इसको डाउन कर लेते, बट अभी हमारे पास जो दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है वो है ईगल आर्टिलरी की, तो जिसने कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट किया। एंड एक हीरो हम सॉरी जो एक हीरो डाउन करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सो चलो देखते हैं अगर नेक्स्ट अटैक में हम क्या कर पाएंगे। सो अभी अगर इवेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 39 हो चुके हैं, एक और करना हमें, तो मैं 2 मिनट में आर्मी तैयार करके अटैक के लिए आता हूँ। ओके गाइस तो आर्मी हो चुका है तैयार, हम फिर से आ चुके हैं पेशेंट। अब की बार तो यार बस बुक लेके ही रहेंगे, अब की बार नहीं मानने वाले हम बुक लिए बिना एंड चलते हैं यार फटाफट अटैक पे, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे आपका और हमारा भी नहीं करेंगे। सो ये सेंटर टाउन वॉल बेस है तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है हमारी, बैटल ब्लिंप चूज़ करने की एंड वो हमने कर लिया। उसके साथ साथ एक फनलिंग क्रिएट करने के लिए इधर से डाल देते हैं एक येती और इधर से अपना जो क्या बोलते हैं इसको दादाजी अपने ग्रैंड वार्डन बूढ़े अंकल इसको डाल देते हैं, ये अपना यहाँ से फनलिंग के लिए हेल्प करने वाला है एंड ब्लिंप जाएगा इधर से तो इशू नहीं है सेंटर का तो कुछ भी।
और साथ के साथ सीसी के लिए हमारे पास है यहाँ पे पॉइजन स्पेल, और साथ के साथ एक है हमारे पास आइस गोलम, तो जो कि बहुत ज़्यादा काम अपने आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये सब कुछ यार स्पैम कर देते हैं, एंड स्पैम से ये होगा कि अपना जो मतलब अपने सभी ट्रूप्स को अच्छा खासा एक बैकअप मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे एबिलिटी कर लेते हैं यूज़ इधर से, अभी ये शायद से ये वाला अपना टाउन हॉल की तरफ मतलब जो ब्लिंप अपना उसकी तरफ देख सकता है, नहीं देखा है, सो टाउन हॉल इजीली हो जाएगा क्लियर इधर से। और हीरो कहाँ पे, हीरो हमने कहा डाउन किया है या नहीं वो अभी देखना बाकी है। सो सभी हीरो एक दो दो इधर रखे हैं, तो दो शायद से इनसाइड ही थे, मैं ध्यान नहीं दिया। और ये क्या यार, मैं अभी स्पेल तो एक भी यूज़ नहीं किया अभी तक मैंने, तो कमाल ही कर रहे हैं भाई हम, मतलब पता ही नहीं मैं अटैक कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रही है। तो अभी एक तरफ से हो चुका बहुत सारा क्लियर, मतलब सब कुछ ही क्लियर हो चुका, बहुत सारा भी क्या है यार। एंड पॉइजन स्पेल, अभी पॉइजन स्पेल मेरे को खुद नहीं मालूम डालना कहाँ पे है। सो पॉइजन स्पेल ओके, स्कैटर सॉरी सिंगल इन्फर्नो है यहाँ पे, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्वीन भाई साहब पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रही है वो, इसका कुछ हिट पॉइंट बच्चा भी है या नहीं, मतलब दिखाई तो दे नहीं रहा कुछ, फिर भी चलो इसका एबिलिटी पॉपअप कर देते हैं, एंड किंग का भी कर देते हैं इसके साथ ही। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा इवेंट हो चुका है कंप्लीट, एंड यहाँ से हम डालने वाले अभी जो अपना रून है, रून ऑफ क्या कौन सा होता है, डार्क एलिक्सिर, इससे हमने अपना डार्क एलिक्सिर स्टोरेज फुल कर लिया। एंड एक मिनट यार, अभी यहाँ से नहीं, अभी 2000 हम डार्क बचाने वाले हैं, तो अभी इधर से अपग्रेड कर डालने वाले हैं। एंड लास्ट जो अपग्रेड है वो फाइनल अपग्रेड हम करने वाले हैं हैमर के साथ। एंड फाइनली गाइस बूम, यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है अपग्रेड करने का, वो है अपना वॉल्स का, उसके अलावा सब कुछ अपना अपग्रेड हो चुका है, मैक्स आउट हो चुका है। एंड अभी यहाँ से थोड़ा डार्क वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम फर्दर आर्मी तैयार कर सकें, क्योंकि वो भी अपना ख़त्म हो चुका है डार्क अपना सारा। एंड अभी इसके बाद अगर बात की जाए तो अभी बाकी क्या है, कुछ वॉल्स बाकी है, तो ये भी कितना अपग्रेड कर सकते हैं, शायद से दो वॉल्स हम अपग्रेड कर सकते हैं, सो वन एंड टू, तो ये हो गया वॉल्स अपग्रेड गाइस। तो अभी अपने पास सिर्फ 21 वॉल्स बचा हुआ है, उसके साथ साथ जो मैंने बताया लेबोरेटरी का थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसके अलावा सब कुछ अपना हो चुका है मैक्स। तो तैयार होना गाइस अपग्रेड के लिए, नेक्स्ट सॉरी अपडेट के लिए, तो जल्दी से भाई अपडेट, अभी तो मतलब क्लैश ऑफ क्लैन वालों को हम बोल सकते हैं भाई जल्दी से अपडेट ला दो अपना, क्योंकि मैक्स आउट होने वाला। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड साथ के साथ जो गोल्ड पास का गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लेना अपने, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाओ पार्टिसिपेट करो, वीडियो देखो पूरा, एंड जो भी विनर होगा 30 तारीख को हम लाइव करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून रहना चैनल पर, एंड मिस मत कर देना वो स्ट्रीम को। सो गाइस आज की वीडियो में, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।